इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले, अदरवाइज हम आने वाले समय में सामूहिक तौर पर बड़े स्तर पर इसका विरोध करेंगे। अभी तक ये विषय सिर्फ मैंने पेपर्स में देखा है, ऐसा कोई विचार मेरे पास फाइल पे या किसी प्रकार के ऑफिशियल सर्कल से तो नहीं आया है। हमने देखा ना, मेरे ये किसने दी सूचना जारी कर दी? अभी ओपीएस को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों का विवाद थमा ही था कि प्रदेश सरकार के खिलाफ एक और चेतावनी जारी हो गई। चेतावनी दी डॉक्टर्स ने, जिसमें कहा गया कि एनपीए पर लिया गया फैसला सरकार वापस नहीं लेती है तो आंदोलन किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस मामले को लेकर प्रदेश के डॉक्टर्स सरकार के खिलाफ उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं है। मीडिया के सवाल पर मंत्री कहते हुए सुनाई देते हैं कि किसने अधिसूचना जारी कर दी। खैर, पूरा मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल क्या कह रहे हैं और कैसे अपने विभाग की जानकारी पास खड़े अधिकारियों से लेकर जवाब दे रहे हैं। अभी तक ये विषय सिर्फ मैंने पेपर्स में देखा है, ऐसा कोई विचार मेरे पास फाइल पे या किसी प्रकार के ऑफिशियल सर्कल से तो नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विचार है तो इसको पूरा विचार किया जाए। सर, अधिसूचना जारी हो चुकी है सर, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नॉट टू माय नॉलेज। ये किसने अधिसूचना जारी कर दी? कोई बात नहीं, कोई बड़ा इतना ज्यादा घाटा नहीं होने देंगे डॉक्टर साहबान को। अगर असल में क्या होता है, बहुत एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि जब डॉक्टर साहब सर्विस में हों, कि मैं फौज की बात भी कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस में बहुत बारी चीज आती है। दरअसल दो दिन पहले 24 मई को आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने सभी प्रकार के डॉक्टर्स का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए बंद कर दिया। सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एनपीए will not be admissible for all doctors. 24 मई को अधिसूचना जारी हुई और 25 मई को डॉक्टर्स यूनियन ने फैसला वापस न लेने की सूरत में सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे डाली। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीए को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है, इस ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये निर्णय वापस ले। हमने अन्य मेडिकल कॉलेज के सभी पद अधिकारीगण से भी इस बारे में चर्चा की है और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम एकत्रित होकर सामूहिक तौर पर इसका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले, अदरवाइज हम आने वाले समय में सामूहिक तौर पर बड़े स्तर पर इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर्स ने आंदोलन की चेतावनी दी तो मामला मीडिया में उठा, जिसके बाद धनीराम शांडिल का बयान सामने आया जो अभी आपने सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि अधिसूचना किसने जारी की। खैर, अधिसूचना जारी हो चुकी है, आंदोलन की चेतावनी भी आ चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इसका कुछ पता नहीं है। लिहाजा देखना होगा कि दुविधा में फंसे डॉक्टर्स का आखिर क्या होगा। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि डॉक्टर्स क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर्स को बेसिक पे का 20% एनपीए मिलता था। जिसका मकसद डॉक्टर्स को चिकित्सीय सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना है। एनपीए की यह राशि भारत सरकार की तरफ से सिफारिश पर सभी राज्यों में दी जाती है, लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है और वजह सरकारी खजाने की वित्तीय हालत ठीक न होना बताया जा रहा है। इससे लगभग 5000 डॉक्टर्स प्रभावित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।